जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है एक और वीडियो में। पीछे देखो हमारे पास आज फ्रेम में है दोस्तों किया सोनेट फेसलिफ्ट। दोस्तों सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं इस वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना देरी किए हुए वीडियो कर देते हैं शुरू। तो फाइनली दोस्तों सामने है किया सोनेट एचटी के प्लस। एक्सोरूम कीमत की बात करेंगे सबसे पहले, तो ये है दोस्तों टर्बो आईएमटी वेरिएंट, ठीक है। पेट्रोल के अंदर 10,49,000 रुपए एक्सोरूम कीमत है। 1 लीटर का 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है। स्मार्ट स्ट्रीम TZDI इंजन आपको देखने के लिए मिलेगा। 118 bhp की पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता है गाड़ी के अंदर, ठीक है। अब देखेंगे फ्रंट से क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ ब्लिंक होते हुए इंडिकेटर तो दिख रहे होंगे, ये शानदार से ये देख रहे हो, क्या शानदार लग रहे हैं दोस्तों। उसके बाद देखो किया सोनेट की टाइगर नोज ग्रिल आपको दिख रही होगी, पियानो ब्लैक फिनिश में, बहुत ही शानदार। फ्रंट में चार चार पार्किंग सेंसर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये है हेडलाइट का सेटअप, भैया LED बेस्ड हेडलाइट है, और तीन तीन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पर फॉग लाइट आपको LED बेस्ड मिलने वाली है। DRL यहाँ तक आपको पूरे दिखाई देते हैं। उसके बाद फ्रंट में चार पार्किंग सेंसर तो हो गए, टाइगर नोज ग्रिल हो गई, नीचे की तरफ स्किड प्लेट जो है सिल्वर फिनिश के साथ में मिलती है। अगर यहाँ पर आ जाए व्हील साइज, तो इसके अंदर आपको है ना 215/60 की प्रोफाइल के साथ 16 इंच का हाइपर स्टाइल स्टील रिम मिलता है। ये ऊपर व्हील कैप चढ़े हुए हैं, लेकिन लग रहे हैं ऐसे देखने से कि यहाँ पर एलॉय व्हील आपको प्रोवाइड कर रही है कंपनी, लेकिन ये व्हील कैप है, ये आप इसकी आवाज भी सुन सकते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेंगे, और अगर पीछे की बात करें तो वहां भी आपको जो है ना डिस्क ब्रेक ही देखने के लिए मिलेंगे। डोर की बात करें तो डोर पे जो नीचे ग्लाइडिंग है उसमें देखो यहाँ पर नीचे एक जो है ना सिल्वर फिनिश आपको देखने के लिए मिल जाती है। डोर रुक के सेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ORVM के ऊपर टर्न इंडिकेटर वगैरह मिल जाते हैं। ऊपर रूफ रेल मिल जाएगी सिल्वर फिनिश के साथ में। बी पिलर ब्लैक टेप डाउट मिल जाता है। और अगर पीछे की तरफ आ जाए तो कुछ ऐसा सेटअप आपको कनेक्टेड टेल लैंप का देखने के लिए मिलेगा। देखो किया के जितने भी गाड़ियां हैं, वैसे तो 3 ही गाड़ियां मार्केट में जो मेनली है, ठीक है, EV6 को अगर हम इस कैटेगरी से बाहर निकाल देते हैं, तो कनेक्टेड टेल लैंप मिलती है सब सारी गाड़ियों के अंदर। TZDI की बैजिंग मिल जाती है। अगर पीछे की तरफ देखें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्टर मिलेंगे। नीचे की स्किड प्लेट सिल्वर फिनिश के साथ में मिलेगी। इस तरफ आ जाएं तो देखो 45 लीटर कैपेसिटी का यहाँ पर फ्यूल टैंक मिलेगा। रियर ग्लास की बात करें, डिफोगर मिलता है लेकिन रियर वाइपर नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप जरूर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक काम करते हैं, इसका बूट ओपन कर लेते हैं अभी और देखते हैं क्या देखेंगे। ये है भैया इसका, पहली बात तो पार्सल ट्रे मिल जाती है। 385 लीटर कैपेसिटी आपको बूट के अंदर मिलेगी। यहाँ पर आपको बूट लाइट भी मिलती है, और यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरीके से एक हुक भी मिल जाता है। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से गुडियर का 195/65 15 इंच का आपको व्हील साइज 1 इंच की कटौती कर दी है कंपनी ने स्पेयर व्हील के अंदर। यहाँ पर प्रॉपर फिनिश मिल जाती है, और इसे कर देते हैं बंद। अब एक काम करते हैं, बिना देरी किए हुए गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं और फिर बात करते हैं। डोर रुक सेंसिंग का ऑप्शन मिलता है। चाबी देख लो भैया, चाबी कैसी मिलेगी। तो चाबी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। देखो गाड़ी को स्टार्ट भी हम यहीं से कर सकते हैं होल्ड करके, बूट ओपन करने के लिए गाड़ी को लॉक अनलॉक करने वाले बटन मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हम डोर को ओपन करेंगे, ये देखो लेदर फिनिश आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। चारों पावर विंडो मिल रही है। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM के ऑप्शन। यहाँ पर देखें तो गाड़ी की जो है पीछे वाली जो विंडो है उसको लॉक अनलॉक करने के लिए चाइल्ड सेफ्टी बटन। स्लीक सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। 4 स्पीकर मिलते हैं, 2 ट्विटर मिलते हैं, 1 स्पीकर यहाँ पर मिलता है। अम्ब्रेला होल्डर बॉटल होल्डर तो मिली गए। हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है सीटिंग में। फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन बेज कलर के अंदर। दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, फ्रंट पार्किंग सेंसर, इंजन ऑटो कट ऑफ का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट एडजस्टेबल, एसी वेंट का डिजाइन ऐसा, और उसमें भी ये सिल्वर का टच आपको बहुत शानदार लग रहा है, ठीक है। अंदर की तरफ बैठकर बात करते हैं, तो आ जाते हैं अंदर की तरफ, और सबसे पहले देखते हैं स्टीयरिंग पे। एक काम करते हैं, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा स्टीयरिंग को सीधा करने के लिए। और गाड़ी स्टार्ट हो गई, स्टीयरिंग सीधी हो गई। और उसके बाद देखो भैया यहां पर स्टीयरिंग के अंदर देखो कैसे कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो आपको देखो क्रूज कंट्रोल वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ में आपको जो है इसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो, जगमग सा हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर टैकोमीटर, यहाँ पर स्पीडोमीटर, यहाँ पर स्पीडोमीटर, यहाँ पर देखो टेम्परेचर, और ऊपर फ्यूल गेज मिल जाता है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए बीच में 4 इंच की MID मिल जाती है। उसके बाद टेलीफोनिक कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर सोनेट की ब्रांडिंग जरूर मिल जाती है। और ये जो है ना ये फ्लैट बॉटम मिलता है। यहाँ 8 इंच का आपको इन्फोटेनमेंट
सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। यहाँ पर देखें तो ये देखो एसी के डिजाइन लुक वगैरह ये चेंज कर दिए हैं, फिजिकल बटन आपको कुछ इस तरीके से दे दिए हैं। अब इस इवेंट का डिजाइन ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए स्पेस हो जाता है, एक टाइप सी पोर्ट, एक टाइप ए पोर्ट और एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, एक स्पेस यहाँ मिलता है। यहाँ पर 6 स्पीड आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा, टर्बो के अंदर है तो 6 स्पीड मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखो तो पार्किंग ब्रेक ऐसा मिल जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड दो कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पर आर्म रेस्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ग्लोव बॉक्स की बात करें तो ऐसा ग्लोव बॉक्स मिलेगा और 6 एयरबैग गाड़ी के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर देखें तो ग्रैब हैंडल ऐसा मिलता है, सनशेड मतलब सनरूफ आपको ऐसी मिलेगी, ठीक है, छोटी है लेकिन सनरूफ आपको मिलेगी गाड़ी के अंदर। ये मैंने ओपन कर दी, लेकिन इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं तो येलो लाइट मिल जाती है, यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर भी मिलता है। ये पूरा सेटअप जो है ना हुंडई में भी देखने के लिए मिलता है। ये देखो ये आपको डे नाइट वाला आपको आईआर भी मिलेगा, और यहाँ पर देखें तो टिकट होल्डर के अंदर आपको मतलब सनसेट के अंदर टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। और पैसेंजर साइड में देखें तो एक बड़ा सा वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसा सेटअप आपको जो है ना फ्रंट कैबिन का मिलता है, बहुत शानदार और लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, प्रीमियम फिनिश दे रहा है, ठीक है। बिना देरी किए पीछे वाली सीट पर चलते हैं और वहां देखते हैं क्या मिलेगा। तो आ जाते हैं पीछे की तरफ। ओहो माय गॉड, ये बहुत शानदार चीज देती है। देखिए ब्लाइंड फोल्ड देती है आपको भैया इसके अंदर गाड़ी के अंदर। उसके बाद देखो यहाँ पर ये डोर हैंडल, उसके बाद ये पावर विंडो, ये लेदर का टच, यहाँ पर ये बॉटल होल्डर, स्पीकर, और अगर यहाँ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आर्म रेस्ट मिल जाता है। और पीछे बैठकर बात करें तो देखो पीछे रियर एसी वेंट आपको मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर दो टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, तो ये कुछ ऐसा स्पेस मिल जाता है। और पीछे की तरफ से देखें तो ये है कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड। क्या प्रीमियम और शानदार लग रहा है, ये देख रहे हो, ये क्या गजब मजा आ गया दोस्तों। लाइक दबा देना दोस्तों किया के लिए एक। उसके बाद देखो एक लाइट यहाँ मिल जाती है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल वगैरह मिल जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा आपको यहाँ पर सेटअप देखने के लिए मिलेगा। अब एक काम करते हैं बाहर की तरफ आ जाते हैं और एक बार इसका इंजन भी खोल के देख लेते हैं। अरे बाप रे, वजन तो बहुत कर दिया किया ने, देखना ये कुछ इस तरीके से इसका इंजन वे है। टर्बो जीडीआई की बैजिंग यहाँ मिल जाएगी, इंसुलेशन सीट वगैरह, वॉशर वगैरह फिल करने के लिए बैटरी वगैरह। तो ये है कुछ इस तरीके से 1 लीटर का जो टर्बो इंजन है उसका सेटअप पूरा, ठीक है। ऐसे कर देता हूँ मैं बंद और आ जाता हूँ पीछे की तरफ। तो दोस्तों ये थी किया सोनेट के फेसलिफ्ट में प्लस वेरिएंट की वीडियो टर्बो आईएमटी ट्रांसमिशन के साथ में। वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।